एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, काफ़ी ऐसे पुरुष होते हैं, काफ़ी ऐसे लड़के होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैडम मैं तो चाहता हूँ मेरी वाइफ जो है मेरे लिंग को अपने मुंह में ले, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, वो चाटे चूसे, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ जो है एक बार मेरे साथ ऐसा की थी, उसके बाद वो कभी मुँह पर लेती ही नहीं है, कैसे उसको मनाऊँ मुँह पर लेना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि देखो कोई भी लड़की आपके प्राइवेट पार्ट को कैसे मुंह पे लगाएगी? अगर वहाँ से, अगर वो फर्स्ट टाइम ही आपके प्राइवेट पार्ट को मुंह लगा रही है, वहाँ से गंदा सा स्मेल आएगा, ठीक है, उस पर कुछ लगा हुआ होगा, और वहाँ के जो हेयर हैं वो बड़े बड़े हैं, तो वो कैसे उस चीज़ को गंदे जगह पे अपना मुंह कैसे लगाएगी, ये बताओ। तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ नहीं रखते हो। काफ़ी ऐसे पुरुष हैं जो टॉयलेट जाते हैं, सुसु करके आते हैं, उस समय भी वो अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको धोते नहीं है, तो सुसु का स्मेल कहाँ गया? उसके बाद बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो नहाते समय अपने फोरस्किन को नीचे नहीं करते हैं। जिसका ऑपरेशन होके कटा हुआ है वो तो अलग बात है, लेकिन जिसका फोरस्किन है तो उसको नीचे करके साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको नीचे नीचे करोगे तो वहाँ पर जो है वाइट वाइट कुछ ना कुछ जमा ही रहता है, हाँ जमा रहता है, जो कि इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो नहाते समय हमेशा फोरस्किन को नीचे करके उसको नॉर्मल पानी से वाश करना बहुत ज़रूरी है, जो कि पुरुष ध्यान नहीं देते हैं। कई ऐसे पुरुष हैं जो 2-4 दिन नहीं नहाते हैं, उस दौरान भी वो अपने प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल देखते ही नहीं है कि चलो गंदा सा स्मेल आ रहा है तो धो लें या फिर साफ़ कर लें, इस टाइप का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और अपने प्राइवेट पार्ट के जो हेयर होते हैं उसको घने जंगलों जैसा बढ़ा के रखते हैं। तो वहाँ पे भी ट्रिमिंग करना या फिर उसको कट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपकी जो वाइफ है उसको मुंह पे ले सके। तो ये सारा गलती आप करते हो, तो यहाँ पे इन गलतियों को आप सुधारो। जब भी आप नहाते हो, बात लेते हो, उस समय अपने फोरस्किन को नीचे करके उसको धो लो। डेली अगर धोते हो या फिर एक आध दो बूंद डेटॉल का डाल के धोते हो तो काफ़ी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका जो लिंक है वो काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर इन गलतियों को आप सुधार करते हो तो आपकी वाइफ जो है वो कभी भी आपको मना नहीं करेगी आपके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह पे लेने के लिए। तो इन गलतियों को आप सुधार करो, इसके बाद आपकी वाइफ जो है झट से आपके लिंग को अपने मुंह पे लेने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप इससे अपने सेक्स लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, आईडी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी कुछ और बोल्ड टॉपिक के साथ। ओके, बाय।